हेलो स्टूडेंट्स, आज के एक्सपेरिमेंट का एम है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। यानी पोटेंशियोमीटर की सहायता से किसी भी प्राइमरी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का कैसे पता लगाया जाता है, ये हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जिन ऑपरेटर्स की हमें जरूरत है, वो ऑपरेटर्स बोर्ड पर हमने बनाए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स चाहिए। फोर वायर पोटेंशियोमीटर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि फोर वायर पोटेंशियोमीटर ही चाहिए। 10 वायर पोटेंशियोमीटर ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है। पर ज्यादातर देखा गया है कि फिजिक्स लैब में 4 वायर पोटेंशियोमीटर अधिकतर पाए जाते हैं। तो हम अपना ये एक्सपेरिमेंट इसी पोटेंशियोमीटर से करेंगे। इसके साथ हमें चाहिए एक बैटरी एलिमिनेटर, रियोस्टैट, गैलोनोमीटर, जॉकी की, दैट इज वन वे की, ये एक वन वे की है, एक स्विच की तरह काम करती है। रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ साथ हमें चाहिए एक प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल डेनियल सेल भी हो सकता है, लेक्लांचे सेल भी हो सकता है, पर फिलहाल हम डेनियल सेल से इस एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हैं। और डेनियल सेल कैसे प्रिपेयर होता है, इसका भी हम जिक्र करेंगे अपने इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी क्या है, यानी इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है। तो इसमें जो आपको समझना है वो ये है कि किसी भी रेजिस्टेंस वायर में जब कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, यानी करंट कांस्टेंट होना चाहिए, वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की होनी चाहिए, यानी वायर एक समान मोटी होनी चाहिए, कहीं से पतली कहीं से मोटी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास स्टैंडर्ड गेज की वायर्स होती हैं। तो जो इस पोटेंशियोमीटर पे जो वायर लगी है, जो अलॉय वायर है, ये स्टैंडर्ड गेज वायर है, यानी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका। तो अगर इस पर कांस्टेंट करंट फ्लो होता है, तो इसके किसी भी दो पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को नापें, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको समझेंगे दोबारा से। अगर AB की लंबाई 400 है, मान लेते हैं AB की लंबाई 400 सेंटीमीटर है, और हम कोई पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं यहां पर C पॉइंट, और A से C पॉइंट की दूरी 100 सेंटीमीटर हम मान रहे हैं, क्योंकि हम 100-100 सेंटीमीटर की इन वायर्स को ले रहे हैं, तो इस हिसाब से 400 सेंटीमीटर की हो जाती है। तो अगर AB 400 सेंटीमीटर है और इसमें टोटल पोटेंशियल 4 वोल्ट का है, तो AC लेंथ क्योंकि 100 सेंटीमीटर की है, तो A और C में पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट रह जाएगा। यानी जितनी लंबाई वायर की होती है, उतना ही पोटेंशियल उसके पास होता है, उसी मल्टीप्लीकेशन में चलता है, उसी कांस्टेंट रेशियो में चलता है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो जो कांस्टेंट यहां पर आएगा वो V बाय L के इक्वल होगा, उसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अगर करंट कांस्टेंट है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट है। तो हम इस प्रिंसिपल को इस तरह समझते हैं कि जब हम पोटेंशियोमीटर में रीडिंग ले रहे होंगे, तो एक शर्त हमें माननी होगी कि करंट कांस्टेंट है। अगर रीडिंग के दौरान, एक रीडिंग से दूसरी रीडिंग तक आने में, या आप 3 रीडिंग ले रहे हो, 4 रीडिंग ले रहे हो, इस बीच आपने अगर करंट को बदल दिया, तो रीडिंग्स अमान्य, यानी के रीडिंग्स में जो वैल्यू है वो गलत मानी जाएगी, उससे सही आंसर नहीं आएगा। तो ये हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि जब आप रीडिंग्स लेंगे, उस वक्त आप करंट को नहीं बदलेंगे। ध्यान रहे, पहली रीडिंग से पहले आप चाहे कितनी भी बार उसे बदल लें, लेकिन एक बार रीडिंग जब आपने रियोस्टैट की किसी पोजीशन पर ले ली, उसके बाद आप ना रियोस्टैट को बदलोगे, ना बैटरी एलिमिनेटर की वैल्यू को बदलोगे, यानी आप हर तरीके से करंट को कांस्टेंट रखोगे। ये सावधानी है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते समय जान लेने की। इसे पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये ध्यान रखें कि हमें रियोस्टैट को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल के
जैसा हम यहां पर किस तरह की सावधानियां बरतते हैं, इसके अलावा फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू एल वन बाय एल टू माइनस वन आर। एल वन क्या है? एल वन वो लेंथ है जब हम प्राइमरी सेल के ईएमएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ लेंगे। L2 वो लेंथ है जब हम प्राइमरी सेल के टर्मिनल पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ लेंगे। अभी टर्मिनल पोटेंशियल कैसे आएगा? अगर हम प्राइमरी सेल से करंट ड्रॉ करवा दें, यानी इसको एक इंडिपेंडेंट सर्किट दें, एक ऐसा सर्किट जो इससे अलग हो, जो इसी सेल का सर्किट हो जो इससे करंट ड्रॉ कर रहा हो, उस समय इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल हम ले पाते हैं। तो हम अलग अलग तरीकों से एक बार ईएमएफ ले रहे हैं, एक बार टर्मिनल पोटेंशियल ले रहे हैं, और ईएमएफ के लिए L1, टर्मिनल पोटेंशियल के लिए L2, माइनस वन टाइम्स R। ये रेजिस्टेंस वो वैल्यू है जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से लेनी होगी। तो ये था फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले पर किस तरीके से सर्किट का यूज करना है, ये बातें। तो आइए शुरू करते हैं कैसे हम अपने सर्किट को बनाएंगे, इन जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्हें कैसे जोड़ेंगे, ये सीखते हैं। ध्यान रहे, जब आप पोटेंशियोमीटर को परफॉर्म कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा सावधानी आपको बरतनी है, एक एक बात को ध्यान से समझना है, क्योंकि सबसे ज्यादा एरर अगर किसी भी प्रैक्टिकल, किसी भी एक्सपेरिमेंट में देखा गया है 12वीं क्लास में, तो वो है पोटेंशियोमीटर। इसलिए पोटेंशियोमीटर को इस तरीके से आपने जोड़ना है, समझना है कि वो एक ही बार में आपसे सही हो जाए। अगर ये एक बार में सही नहीं होगा तो शायद 10 बार में भी नहीं होगा। इसलिए इसको ध्यान से देखिए कैसे मैं इसे जोड़ रहा हूं, एक एक स्टेप को आपने ध्यान से फॉलो करना है। सबसे पहला काम है कि आपने पोटेंशियोमीटर को पहचानना है कि इसमें ए और बी पॉइंट कहां है। डायग्राम को देखकर जब आप पोटेंशियोमीटर को देख रहे होंगे या देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जहां नॉब्स हैं, जहां पर स्क्रू हैं, वो पोर्शन हमें लेफ्ट साइड लेना है। तो ये अपर स्क्रू है जिसका नाम मैंने ए रखा है, ये लोअर स्क्रू है जिसका नाम बी रखा है। ये वो स्क्रू है जिससे इसको पावर सप्लाई दी जाती है। तो ये आपके लेफ्ट साइड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बोर्ड की तरफ फेस करके, अभी इस वक्त हम मान रहे हैं कि हमने फेस बोर्ड की तरफ किया है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ये स्क्रू होने चाहिए और राइट हैंड साइड में सिर्फ छोटे छोटे प्लेट्स आपको नजर आती हैं। तो स्केल में हम लोग क्या मानते हैं कि ए पॉइंट जीरो है, हम इसे जीरो मान के चलते हैं, और बी इस पोटेंशियोमीटर के लिए 400 है। इस पोटेंशियोमीटर के लिए अगर 10 वायर वाला आएगा तो 1000 हो सकता है, 2 वायर वाला हुआ जो कि अमूमन देखा नहीं गया, 2 वायर का लेने से कोई फायदा नहीं है, 4 से ज्यादा ही होती हैं, 4 या 10, ये 2 स्टैंडर्ड होते हैं, ज्यादातर 4 वायर का ही होता है। तो बी पॉइंट को हम 400 मानते हैं। तो 400 तक कैसे पहुंचना है? 0 से आप इस पॉइंट पर आएंगे, सी हम इसे मान रहे हैं, तो ये 100 हो गया। यहां से जाएंगे 200, ये भी 200 हो गया, तो ये यहां आएंगे 300, और इस तरीके से यहां पहुंचे 400। तो जब आप रीडिंग लेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप वायर में किस पोजीशन पर हो, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कनेक्शन। ए पॉइंट को हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। तो बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव से हम कनेक्ट करेंगे, पर हम सीधे इसको ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको रियोस्टैट के थ्रू करेंगे। रियोस्टैट का फिर वही काम जो हम हमेशा से देखते आए हैं, ओम्स लॉ में सीखा था, ये करंट को वेरी कर सकता है, करंट को चेंज कर सकता है। तो अगर हमें लगता है कि हमें करंट इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्लाइडर की मदद से हम करंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव से हम रियोस्टैट को कनेक्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव में हम एक वायर यहां पे लगाएंगे और यहां से कॉपर वायर लेंगे। कॉपर वायर को हम नीचे वाले स्क्रू पर, जो रियोस्टैट का नीचे स्क्रू है, वहां पर कस देंगे। और जब ये काम करेंगे तो ध्यान रखना है
कि जो रियोस्टैट का जो स्लाइडर है, स्लाइडर नॉब है, वो सेंटर पे लाके रखिए। ऐसा बहुत आवश्यक नहीं है पर कर लेना चाहिए सावधानी के लिए, रीडिंग को समझने के लिए। यहां पॉजिटिव लगा दिया है तो करंट हम मान रहे हैं करंट यहां से आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। अब राइट हैंड साइड में आपको दो नॉब दिखाई देंगे, आपको अपर वाला यूज करना है। फिर वही बात, डायगनल पे होगा तो स्लाइडर का यूज होगा, अगर आप नीचे से नीचे वाला इस्तेमाल करेंगे तो फिक्स होगा। फिक्स की हमें जरूरत नहीं है, हम स्लाइडर वाला इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरी कॉपर वायर आपने यहां पे कनेक्ट करनी है और यहां से सीधे ये वाली वायर यहां से होते हुए पॉजिटिव ए पर लगा देनी है। तो ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया, पॉजिटिव से रियोस्टैट के नीचे, रियोस्टैट के अपर वाले नॉब से ए पॉइंट पर। बहुत ही सरल है, दो तारे लगानी है। अब नेगेटिव को आपने सीधा यहां से बी पे कनेक्ट कर देना। तो ये तीन तारे, एक सीरीज सर्किट हमने तैयार कर दिया। तो करंट इस तरीके से ए से एंटर होता हुआ बी से बाहर निकलेगा, तो ये डायरेक्शन हो गई करंट की। तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट तैयार हो गया। बैटरी इल्यूमिनेटर को 2 वोल्ट पे आप सेट कर लीजिए, अभी आप इसको ऑफ रखिए। तो अभी हम मान के चलते कि अभी ऑफ है, अभी इसको हमें ऑन नहीं करना, क्योंकि अभी आपको इसको ऑन करके कोई गैरोमीटर की कनेक्शन आपने नहीं किया है तो कुछ यहां पर नजर नहीं आएगा। कुछ बुक्स में यहां पे एमीटर लगाया जाता है, आवश्यकता नहीं है। बैटरी लिमिटर अगर अच्छे से वर्किंग है तो काम करेगा, तो काम करेगा, इसलिए हमें इतना आशंकित नहीं होना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छे से कनेक्शन करिए, काम करेगा। ध्यान रखिए कि जो ये प्लेट्स हैं, जैसे मीटर में ध्यान दिया था, कोरोडेड ना हो। अब जब हमने प्राइमरी सर्किट लगा लिया है तो सेकेंडरी सर्किट शुरू करते। तो सेकेंडरी सर्किट कौन है जिसमें हम प्राइमरी सेल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? अभी जो प्राइमरी सेल है, हमने यहां पे डेनियल सेल लिया है, तो डेनियल सेल बनाना सीखते हैं। डेनियल सेल कॉपर वेसल आपको दिया जाता है, कॉपर वेसल के अंदर क्यूप्रिक सल्फेट का सॉल्यूशन आप तैयार करते हैं। क्यूप्रिक सल्फेट के सॉल्यूशन को कॉपर वेसल में भरा जाता है, लगभग 50-60-70 ml क्यूप्रिक सल्फेट का सॉल्यूशन आप तैयार कर देते हैं। उसके बाद इसमें एक पोरस पॉट लिया जाता है, पोरस पॉट होता है, सिलेंड्रिकल है। पोरस पॉट के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है, बहुत ज्यादा नहीं भरना है, लगभग 20-25 ml 20-25 ml आपने इसको भरना है। डाइल्यूट H2SO4 पोरस पॉट में डालकर इसको इस वेसल के अंदर डाल देना है, जिसमें क्यूप्रिक सल्फेट सॉल्यूशन पहले से हमने डाल रखा है। फिर इसके अंदर एक जिंक रॉड डालनी है, पोरस पॉट के अंदर एक जिंक रॉड डालनी है, और यह सेल तैयार हो गया। इस सेल में जो कॉपर वेसल है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह ट्रीट करेगा, जिंक नेगेटिव। तो जिंक रॉड नेगेटिव टर्मिनल है, कॉपर वेसल पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यह आपका सेल तैयार हो गया है। डेनियल सेल का जो ईएमएफ होता है वो 1.018, याद रखिएगा इस फिगर को, 1.018 वोल्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट का एक सेल तैयार हो गया है प्राइमरी सेल। हमें इसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता लगाना है जो हमारा एम है। तो एम को समझ लिया आपने, हम इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता लगाना चाहते हैं यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर। अब यह सेल आपका तैयार हो चुका है, सेल को अब कैसे कनेक्ट करना है? याद रखिए, ए पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपने याद रख लेना भाई, ए पॉइंट हमारा पॉजिटिव ही रहेगा हर बार, ए को पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव गोज टू ए, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये बात पता है तो बस पॉजिटिव पॉइंट में तार लगाइए यहां से और ए को कनेक्ट कर दीजिए। ए पॉइंट कनेक्ट कर दिया हमने पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल कौन है? कॉपर वेसल, कॉपर वेसल ए से कनेक्ट हो चुका है। अब नेगेटिव टर्मिनल,
नेगेटिव टर्मिनल हमेशा गैल्वनोमीटर से कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल गैल्वनोमीटर। अब चाहे एक सेल वाला एक्सपेरिमेंट करें या दो सेल वाला, हमेशा यह बात याद रखनी है, नेगेटिव टर्मिनल गैल्वनोमीटर से कनेक्ट होगा। तो नेगेटिव टर्मिनल हमने लिया, यहां से वायर कनेक्ट करी और यहां से गैल्वनोमीटर के एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। टर्मिनल कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गैल्वनोमीटर से आपने जॉकी को कनेक्ट कर देना है, तो हम एरो से जॉकी को दर्शा रहे हैं। तो एरो मींस यहां पे हमारे पास जॉकी है जिसे हम जे से दिखा रहे हैं। तो ये सर्किट तैयार हो गया है, रेडी टू वर्क है। अभी हम इनका इस्तेमाल भी करेंगे। पहले आप इतना समझ लीजिए, जब आप एग्जाम में इसको परफॉर्म कर रहे होंगे तब ध्यान रखना है इसी ऑर्डर में इसी तरीके से काम करना है, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ऐसे ही चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अभी इसको नहीं जोड़ना है, सर्किट को बेवजह कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, स्टेप टू स्टेप चलना है। जब ये काम हो जाए तो बैटरी एलिमिनेटर ऑफ था, यह हमने पहले कर रखा है कि यह ऑफ है। तो अगर ये जॉकी को मैं किसी भी एक वायर पे टच कराता हूं तो करंट फ्लो होगा थ्रू गैल्वनोमीटर। कैसे देखते हैं, यहां से करंट एंटर कर रहा है, ये ऑफ है, पॉजिटिव से ए पर करंट आया और ए से होता हुआ करंट बी से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन बी के रास्ते में सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो जब तक ये जॉकी इस पोटेंशियोमीटर की वायर से दूर है करंट फ्लो नहीं होगा। अब ये जॉकी मान लेते हैं मैं सेकंड वायर पे कनेक्ट कर रहा हूं, तो मान लेते हैं कि जॉकी को मैंने यहां कनेक्ट कर दिया। जैसे ही जॉकी को यहां कनेक्ट किया तो देखिए करंट कैसे आ रहा है, करंट इस तरीके से फ्लो होता हुआ आया, यहां पर आया। यहां से दो रास्तों में जाना चाहता है, एक इस रास्ते और एक जॉकी के थ्रू गैल्वनोमीटर से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल सर्किट को कंप्लीट करता हुआ। आगे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है इसलिए सारा करंट इसके थ्रू आ जाएगा। समझने वाली बात है कि जब आप ए से इस पॉइंट पर कनेक्ट कर रहे हैं तब वायर की लेंथ एक फुल वायर और एक हाफ वायर है। अगर मैं इससे नीचे वाले पर कनेक्ट करता हूं तो दो फुल और थर्ड हाफ आती है, यानी लेंथ में परिवर्तन हो रहा है, यानी जॉकी जहां टच करेगी अलग अलग लेंथ हो सकती है, लेंथ बढ़ने घटने से रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ वेरी करता है। इसका मतलब हमारा जो करंट का पाथ है उसका रेजिस्टेंस इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि हम जॉकी को कहां यूज कर रहे हैं, कहां पे टच कर रहे हैं, और जहां पे हम जॉकी को टच कर रहे हैं इसकी वजह से करंट वेरी कर। तो फिलहाल आपने ये चेक करना है कि जॉकी को जब हम यहां पे टच करते हैं तो क्या गैल्वनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, और वो देगा। किस साइड देगा, वो लेफ्ट साइड भी दे सकता है, राइट साइड भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है हमने किस टर्मिनल पर इन वायर्स को जोड़ा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। या तो लेफ्ट ही करेगा या राइट ही करेगा। अगर ये लेफ्ट कर रहा है तो याद रखिए लेफ्ट कर रहा था, राइट कर रहा है तो याद रखिए राइट कर रहा था। तो आपको पहले तो ये मेमोराइज करना है कि गैल्वनोमीटर बिना बैटरी एलिमिनेटर के ऑन करे हुए जॉकी को वायर्स पे टच करने पर किस साइड डिफ्लेक्ट करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गैल्वनोमीटर किस साइड गया। तो मान लेते हैं हमने जॉकी को पहले वाली वायर पे टच किया, ये राइट साइड चला गया, फिर सेकंड पे टच किया, ये राइट साइड चला गया, फिर थर्ड पे टच किया, ऑब्वियसली राइट साइड जाएगा, और फोर्थ में राइट साइड ही जाएगा क्योंकि करंट का एक ही डायरेक्शन है फ्लो करने का। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि गैल्वनोमीटर राइट साइड को डिफ्लेक्ट कर गया। अगर ऐसा है तो प्राइमरी सेल से जो सर्किट बना है वो अच्छा काम कर रहा है। अब बैटरी एलिमिनेटर को ऑन कीजिए। जब ये चेक हो चुका है, ये आप सुनिश्चित कर चुके हो कि गैल्वनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है बैटरी एलिमिनेटर के ऑफ रहने पर, याद रखिए ऑफ रहने पर किया था। अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो आप इसको चेक नहीं कर पाएंगे,
इसने पहले इसको ऑफ करके चेक कर चुके हैं, अब ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद जब आप जॉकी को फिर से इन जगह पर लगाते हैं अलग अलग वायर्स पे, तब आपको यह चेक करना है कि सेकंड वायर के मिड के बाद, यानी कि 100 पूरा कर लिया, 200 के आसपास, मतलब मैं आपको कहूं कि 180 के आसपास एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, 180 सेंटीमीटर के पास ही। क्यों? क्योंकि हम 200 को मिड पॉइंट बोल रहे हैं, तो मिड पॉइंट से 20 आगे या 20 पीछे, 180 या 220, हम इसे मीन लेंथ मान के चल रहे हैं, इस पर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये आप पोटेंशियोमीटर से अच्छी रीडिंग कैसे लेनी है वो सीख रहे हैं। 180 पर जॉकी को आप रखिए और अब देखिए जॉकी किस तरफ जा रहा है। 180 पर जॉकी रखने के बाद आप देखेंगे कि या तो गैल्वेनोमीटर राइट साइड जा रहा है या गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड जा रहा है। यही दो आशंकाएं होंगी, या तीसरी ये हो सकती है कि कहीं नहीं जा रहा, नल पॉइंट है तो नल पॉइंट है, तो ऐसा तो बहुत ही कम चांस है कि एग्जैक्टली लगाया और नल पॉइंट मिल गया। और अगर नल पॉइंट है तो आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देख सकते हैं कि नल ही पॉइंट है या सब कुछ ऑफ तो नहीं कहीं। तो अगर हम यहां मान के चलते हैं कि ये लेफ्ट में जा रहा है, अगर ये लेफ्ट में गया तो इसका मतलब बैटरी एलिमिनेटर यहां पर इस पॉइंट पर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है अगर लेफ्ट गया, क्योंकि हमने क्या माना था, हमने कहा था जब बैटरी एलिमिनेटर ऑफ था तो गैल्वेनोमीटर राइट साइड गया था, तो लेफ्ट कैसे गया होगा, बैटरी एलिमिनेटर की वजह से। तो अगर ये लेफ्ट चला गया है तो बैटरी एलिमिनेटर से ज्यादा करंट आ रहा है, अगर ये अभी भी राइट है तो इसका मतलब बैटरी एलिमिनेटर से कम करंट आ रहा है। तो आप लेफ्ट हैंड से जॉकी को 180 पर लगा दीजिए, फिर राइट हैंड से धीरे धीरे स्लाइडर को इधर वे आप मूव कराइए, और फिर आपको नजर रखनी है गैल्वेनोमीटर पे, और स्लाइडर को धीरे धीरे मूव करके इस पे चेंजेस देखिए, और यहां रखे रखे इसको नल पॉइंट पर ले आइए। ये नल पॉइंट पर जैसे ही आ जाएगा आप 180 पे नल पॉइंट ले आइए। 180 पे नल पॉइंट आ गया, इसका मतलब अब आपका सर्किट प्रॉपरली काम कर रहा है। अब यहां एक क्वेश्चन उठता है कि हम गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट ला रहे हैं रियोस्टैट को चेंज करके, तो हमने तो करंट ही बदल दिया। अगर करंट बदल दिया तो फिर हम इस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम ही नहीं कर रहे। बिल्कुल सही, हम करंट को नहीं बदल सकते, लेकिन रीडिंग ले लेने के बाद, रीडिंग लेने से पहले रियोस्टैट में चेंजेस कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। इसीलिए अभी आपने 180 पर इसको रख दिया और इसको फिर एडजस्ट करके इसको नल पॉइंट पर ले आए। जैसे नल पॉइंट आ जाता है, नल पॉइंट कैसे आएगा, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना होगा, कभी इसको लेफ्ट कभी इसको राइट करके जॉकी को यहां पर प्रेस करके रखना है और इसको नल पॉइंट पर लेकर आना है जल्दी से, ज्यादा देर हम टच नहीं करते, करंट बढ़ जाता है। तो जब ये नल पॉइंट पर आ गया तो यानी 180 पर हम सेट कर चुके हैं अपने पोटेंशियो मीटर को। इस प्राइमरी सेल का ईएमएफ इस वक्त इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, यानी ए जे का जो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर बैटरी एलिमिनेटर से ले रहा है एग्जैक्टली उतना ही ईएमएफ अभी प्राइमरी सेल का है, पर हमें ईएमएफ नहीं निकालना है। बस हमने ये काम इसलिए किया था कि हम पोटेंशियोमीटर को रेडी टू वर्क कर सके। अब पोटेंशियोमीटर आपका रेडी है, काम करने के लिए रेडी है, तो बस आपने पहली रीडिंग यहां पर जे को रखकर निकाल लेनी है, जो हम निकाल ही चुके हैं कि 180 आ चुकी, हमने मतलब पहली रीडिंग खुद ही बना दी, तो 180 पर आ गई। तो अभी रीडिंग नहीं लेनी है, वापस आप जॉकी को अलग कर दीजिए, आपका काम कर रहा बैटरी मीटर बंद कर दीजिए, अब सर्किट पूरा करते हैं, यानी ये काम कर रहा है। अब सर्किट का आखिरी पड़ाव हम करने जा रहे हैं, सर्किट में रेजिस्टेंस बॉक्स और की का कनेक्शन कैसे करना है। देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स को की के थ्रू इसके पैरेलल में लगाना है, पैरेलल में लगाएं या सीरीज में लगाएं एक ही बात है, क्योंकि एक रजिस्टर सीरीज हो या पैरेलल एक ही बात होती है। तो हम इसके पॉजिटिव से इस रजिस्टेंस बॉक्स के किसी भी एक टर्मिनल पे
कनेक्शन कर देते हैं। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव से रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल कनेक्ट कर दिए, दूसरे टर्मिनल से की के एक नॉब को कनेक्ट कर दिया और सेकंड से जिंक रॉड को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। और अब यहां पर की को आपने ओपन करना है या क्लोज करना है, यही आपकी रीडिंग बनाएगा। अगर आप की को इस्तेमाल नहीं कर रहे, मतलब आपने इसको ओपन सर्किट कर दिया है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स यूज नहीं हो रहा, यानी ओपन सर्किट। जब ये ओपन सर्किट हो गया है, इसका मतलब ईएमएफ ले रहे हैं आप, और जब की प्रेस्ड है सर्किट क्लोज है, करंट रेजिस्टेंस बॉक्स में आएगा, रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा, तो यानी हम टर्मिनल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो की का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या हो रहा है, इससे दो अलग अलग लेंथ निकल के आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग लेना। तो जो मैंने 180 पर किया है वो आप 220 पे भी कर सकते हैं, 240 भी कर सकते हैं, 250 भी कर सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो अब वापस हम इस की को हटाते हैं यहां से। हटाने के बाद मतलब हम ईएमएफ ले रहे हैं, याद रखिए की हटा दी है। जब की हटा देंगे तो हम ईएमएफ ले रहे हैं। तो जब की हटा रहे हैं तो हम L1 ले रहे हैं। L1 जैसे हमने बैटरी एलिमेंट ऑन किया, जॉकी को 180 पे लगाया, L1 आ गया। तो एक सैंपल रीडिंग बता देता हूं, 180 सेंटीमीटर पे हम ले रहे हैं, तो 180 सेंटीमीटर बैलेंस पॉइंट आ गया। अब हमें R लेना है, R यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम यहां पर लगा रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में। की को आप प्रेस कीजिए, की प्रेस किया, यहां से एक रेजिस्टेंस निकालिए, रेजिस्टेंस निकालिए 10 ओम रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो हम एक सैंपल रेजिस्टेंस मान रहे हैं 10 ओम, तो हमने 10 ओम रेजिस्टेंस यहां पे ले लिया। जैसे हम 10 ओम रेजिस्टेंस लेते हैं, की यहां प्रेस कर चुके हैं, अब जॉकी 180 पर बैलेंस नहीं दिखा पाएगी। वजह ये कि करंट अब रेजिस्टेंस बॉक्स में भी जा रहा है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से बैलेंसिंग लेंथ कम होगी, क्योंकि पोटेंशियल कम हो गया है ईएमएफ से। तो अब ये बैलेंस पॉइंट एक ही तरफ जाना चाहेगा, ये ध्यान रखिए। यहीं से वही बात है कि जब हमने इसे करेक्ट किया तो लेंथ कम क्यों हुई। लेंथ इसलिए कम हुई क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड कम हो गया है इसके अंदर पोटेंशियोमीटर की वायर्स में, जिसकी वजह से अब पोटेंशियल ड्रॉप इस पॉइंट से एक ही तरफ जाएगा, लेंथ कम करनी होगी ताकि इसके बराबर आ सके। टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा ईएमएफ से कम होता है, इसलिए बैटरी एलिमेंट का जो करंट है वो भी कम पोटेंशियल डिफरेंस देगा, तभी यहां नल पॉइंट आएगा। इसलिए लेंथ कम होगी और हो सकता है कि लेंथ मान लेते हैं 150 पर आ गई, ये हम मान रहे हैं, 110 पर भी आ सकती है, 80 पर भी आ सकती है, 90 पर भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है। अगर ये हो रहा है कि आपकी ये वाली लेंथ 10 20 30 पर आ गई, बहुत कम आ गई, तो जो 180 पर आपने बैलेंस किया था उसे आप 250-300 पे ले जाइए, तो इतना एडजस्टमेंट आपको करना होगा। ये पता लग जाएगा आपको एक ही रीडिंग से कि आपका जो 180 है क्या यही पर्याप्त है, नहीं है तो आप पीछे आइए और इसको 240 पर करिए जैसे प्रीवियस स्टेप समझाया था। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि बैलेंस पॉइंट 150 पर आ चुका है, तो बैलेंस पॉइंट L2 150 पर आ गया है, तो R कैलकुलेट करना है, तो R की वैल्यू होगी L1 बाय L2 180 बाय 150 माइनस 1 टाइम्स 10 विच इज इक्वल्स टू, यहीं पे कर देता हूं, इक्वल्स टू 18 बाय 15 माइनस 15 3 बाय 15 क्योंकि 0 कैंसिल हो गया है, 18 में से 15 3 बचेगा, बाय 15 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 2 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इस एग्जाम्पल में 2 ओम आया है, जरूरी नहीं कि हमारे पास 2 ही आए, कम ही आए, ज्यादा भी आ सकता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कैसे पता लगेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा की पहचान क्या होती है, L1 और L2 में जितना ज्यादा गैप होगा उतना ही इंटर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अगर आपका गैप बहुत ज्यादा आ रहा है
तो ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आएगा। तो अगर ये ज्यादा गैप आ रहा है और फर्स्ट वायर में आपकी रीडिंग जा रही है तो आपको उस हिसाब से रीडिंग लेनी होगी, आपको L1 में उस तरह से चेंजेस करने होंगे। इस तरीके से पहली रीडिंग हमने ले ली। अब सेकेंड रीडिंग में आपने क्या करना है, सेकेंड रीडिंग लेने के समय आपको केवल R बदलना है। तो R को आपने ज्यादा नहीं बदलना, जैसे अगर आपने 10 ओम पे लिया तो आपकी रीडिंग 180 से 150 हो गई, अब आप 12 ले लीजिए, फिर 8 ले लीजिए, फिर 6 या 14 ले लीजिए। चार रीडिंग आपने लेनी है और चार रीडिंग को आपने इस टेबलो फॉर्म में लिखना है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। हो सकता है इनकी वैल्यू में थोड़ा वेरिएशन आए, इसलिए आपको मीन लेना होगा। मीन आर निकालने पर आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा और वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन प्राइमरी सेल। तो आप लिख देंगे रिजल्ट में द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन डैनियल सेल और गिवन प्राइमरी सेल इज के बाद मीन आर की वैल्यू, रिजल्ट आ जाता है, फिर प्रिकॉशन और सोर्स ऑफ एरर। तो इस एक्सपेरिमेंट में सावधानी से अगर काम किया जाए तो ये बहुत ही सरल है और आसानी से इसका रिजल्ट आता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम दो प्राइमरी सेल के ईएमएफ का रेशियो ले सकते हैं और उसको इसी पैटर्न से करना होता है। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से समझते हैं, इसको कनेक्शन समझते हैं, तो E1 बाय E2 करना और भी आसान है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।